Hello and welcome to Bollywood Spy, sir. I hope you're doing good. Very good, thank you. Welcome. Shiv Shakti, Tab, Tyag aur Tandav. ये काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हम देखने वाले हैं शो जो आने वाला है जल्दी ही. लेकिन इसमें आपके अनोखे और आपके स्पेशल टच क्या होने वाले हैं पूरे सेट पर, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दैट. जब ये शो मुझे यू नो ब्रीफ किया गया, यस, तो सडनली यू नो कान खड़े हो जाते हैं कि माई तो सेट है, यस, यू नो बड़ा होगा, ब्यूटीफुल होगा, भव्य होगा, एंड ऐसा कि जैसे कभी देखा नहीं हो जी. क्योंकि हमारे पास एक प्रीसेट माइंड है जो हमने देखा हुआ ऐसे शोज पहले. यू नो शिवजी का वर्ल्ड हमने देखा है, कैलेंडर आर्ट जो हमको पता है, जो एग्जिस्ट करता है, यू नो कहानियाँ जो हमें हमारे यू नो दादी और दादा ने सब बोले हैं, तो वो हमारे माइंड में है. तो एक लुक करके अब देखते हुए शो अब उसमें अलग क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. यू नो तो जब मैं आया ऑन बोर्ड तो ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, मैंने माइथोस तो बहुत किए हैं पर ये टाइप का शो नहीं किया है, तो मैं और क्या लाऊंगा. तो सडनली माइंडसेट चेंज करना है, लेकिन किसी का यू नो बिलीफ नहीं चेंज कर सकते हम. उनको चाहिए हमारा भगवान ऐसा ही दिखता है तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है. वो बैठते हैं कैलाश में, विच इज़ फैंटास्टिक, हमको पता है स्नो है, पीछे पहाड़ है, एंड ही सिट्स ऑन द टॉलेस्ट माउंटेन. अब मैं अगर चेंज करूँ तो क्या करूँ? विल आई ब्रेक रूल्स, यू नो विल आई गिव अ न्यू डायमेंशन टू इट? हमने सोचा यस, कि चलो अगर पहाड़ी करते हैं, पहाड़ में तो रहते हैं, एक छोटे से रूम दिखाते हैं अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ कि पूरा जो शो है अंदर कर दूँ पहाड़ के अंदर, तो कैसा लगेगा? यू नो अगर मैं उस टाइम पर पैदा होता और अगर मैं काव करता पूरा चीज़ के में, तो कैसे काव होता? अगर पिलर्स हैं तो पिलर्स कैसे लंबे लंबे पिलर्स हैं अंदर, यू नो ब्राउन स्टोन के होते हैं, ब्लैक स्टोन के होते हैं, जितना नॉलेज अपना है केव का वो हमने डाला, ठीक है. बर्फ़ होती तो कैसे बर्फ होती है, क्रिस्टल की बर्फ़ होती है जो जम जाती है वो अलग होती है, जो फ्लोर पर होती है वो अलग होती है. अगर अभी चलो काफ कर रहे हैं, काफ करते जाते बड़ा सा पिलर का कॉरिडोर बन जाता है, इतना बड़ा हाइट है, ऊपर सब क्रिस्टल्स है, वहाँ से भी लाइट करोगे तो अलग डायमेंशन मिलेगा, सिर्फ फैंटास्टिक. क्योंकि अंदर आके एक पॉन्ड है, पिलर जो लिट अप होता है, यू नो बर्फ जो हमेशा लाइट अप हो जाती है, अलग अलग लाइट से अलग अलग रूप मिलता है स्नो का. वार्म टोन में वार्म ग्लो हो जाता है, ब्लू जोन में रात को अलग दिखता है, यू नो कुछ चमकीलापना आता है. तो वो सब करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमने बोला हम ये करते हैं, ठीक है. अब अगर शिव जी को अंदर लेना है, अंदर तपस्या करें तो कैसे करेंगे? तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, पाँचवें लेवल पर ऊपर बिठाते हैं, तो ही इज सिटिंग ओवर देयर गॉड जैसे पूरा, यू नो नीचे से हम देखते हैं तो ऊपर ऐसे देखते हैं, ऐसे ठीक है क्या मिसिंग है अगर ऐसा सेट है. लेकिन लोगों को थोड़ा ये नहीं लगेगा कि एक्सटीरियर नहीं मिल रहा है, सेट हाँ ठीक है. तो हमने बड़ा सा होल कर दिया पहाड़ में सपोज, ओके, और पीछे हमको स्काई दिखता है, वहाँ से पूरा रेज आता है, सन रेज, वहाँ से स्नो भी गिर सकता है, वहाँ से अगर शिव जी बैठे तो उसके ऊपर उनके ऊपर ग्लो आएगा तो कैसे लगेगा, यू नो. तो सडनली ये एक नॉर्मल सेट, यू नो फैंटेसी वर्ल्ड मिल रहा है, लेकिन समथिंग विच इज बिलीवेबल, जो है पहाड़ दिखता है, हमने वही रिसर्च किया है, क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, लेकिन एक नया डायमेंशन दे दिया कैमरामैन को, डायरेक्टर को, यू नो सबको, कि ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, अब शूट करो. अब सीन अलग टेकिंग में हो जाते हैं, बड़े पिलर्स है तो कैमरा ऊपर से लग रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, अलग, यू नो डायमेंशन चेंज होता है. तो आई थिंक लाइक अ फिल्म मेकर, यू नो अगर मैं ये फिल्म बनाता तो कैसे लगता, और उसको टीवी के पर इस पर लाया तो कैसे लग रहा है. तो ये हमारी एक छोटी सी यू नो कॉन्शियस डिसीजन था कि हर सेट जो बनाए वो अलग लगे. बिल्कुल उमंग सर, द वे यू एक्सप्लेन्ड अस, यू नो द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड अस, ये जितना आपने बताया उतना तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन व्हेन वी विल सी इट, इट विल अल्टीमेटली अगेन अ वेरी ड्रीमी सेटअप, वेरी ड्रीमी सिचुएशन टू इमेजिन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मेरा अहम सवाल आपसे ये है, बीइंग अ पर्सन हु हैज़ यू नो सो मच ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू सेट डिजाइनिंग एंड ऑल द सेटअप दैट इज बीइंग डन, व्हेन द VFX हैज कम, certain things like Photoshop has come and certain technologies, how does it affect it affects your work, or does it really affect it in real? It doesn't affect my work, it you know helps me, enhances every set that we do. Okay, har set ki ek limit hoti hai, budget hota hai, usme bana sake utna scale agar mere ko usse bhi beyond chahiye to hum kaise kare, you know ye hota hai film ke sets jab VFX lagte hain to alag scale mein hote hain, main pura set virtual kar sakta hu, sirf jahan pair rakhne wale hain wahi main 3D कर सकता हूँ, बाकी का सब वर्चुअल कर सकता हूँ. यहाँ हम डे टू डे शूट करने की बात कर रहे हैं, तो इतना VFX कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो भी VFX लेके ही हम इफेक्ट करते हैं. जैसे मैंने अभी इतना बड़ा खड्डा बोला, खड्डे के बाहर तो पूरा VFX ही जाएगा, ओके, बट वो अबाउ द लाइन है.
जितना रियल शूट कर सकता हूँ मैं उतना शूट करूँगा, उसके बियॉन्ड VFX करें यू नो, ताकि डे टू डे हम अटके नहीं. Correct. एक बजट होता है, एक सर्टन ये होता है, यू नो सीरीज जब बनाते हैं तो डे टू डे आप शूट करो, इतना सब एपिसोड आपको निकालना पड़ता है हर जगह, अगर आप ये क्रोमा करते रहोगे तो अटक जाओगे, अटक जाएंगे. तो जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं लेता हूँ. Yes. क्योंकि जंगल सेट जो मैं लगा रहा हूँ तो पूरा 3D है सेट. Right. उसके बियॉन्ड में जब मेरे को डेप्थ चाहिए पूरा. Right. जहाँ एक स्टूडियो फ्लो में नहीं करते तो VFX से मैं एक्सटेंड करता हूँ. वाटरफॉल है लेकिन वो इतना ही है, अगर मेरे को चाहिए 200 फीट से पड़ रहा है तो वो बाहर एक्सटेंड तो वो VFX से एक्सटेंड करते हैं. दिस वी गो हैंड इन हैंड इन मेकिंग एवरीथिंग दैट वी डू लार्जर देन लाइफ. राइट. बट सर, वाज़न्ट देयर एनी काइंड ऑफ क्लैशेस और एनी काइंड ऑफ हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स एंड अग्रीमेंट्स ऑन दिस, कि आपके परसेप्शन को लेकर आपने बोला होगा नहीं हमें ये चाहिए, बट देन सर्टन डिपार्टमेंट और सर्टन बाउंड्रीज वर देयर कि नहीं नहीं हमें ये करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टिक टू दिस. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. बेसिकली लाइक यू सेइंग कि एक्सपीरियंस इतना है ओके कि हम प्री प्रॉड ही करते हैं, सब चीज़ पहले से ही पता है. राइट. ओके, VFX लोग इन यू नो इन हैंड इन हैंड मेरे साथ जाते हैं. राइट. ओके, ये लुक है, इज दिस ओके, बिकॉज आई डू फिल्म ऑल्सो, तो मेरे को पता है कि गाइड उनको करना है या कितना उनसे लेना है. राइट. इफ आई हैव डिजाइन समथिंग लाइक दिस, विल दिस VFX दैट यू डू लुक नाइस, यू हैव डन बेटर, ओ आई कैन टेक दिस, ये अच्छा लुक है, यू नो ये स्केल बहुत अच्छा है, ये कलरिंग अच्छा है, और आई गिव ऑल माई रेफरेंसेज, यू नो मैंने ये सेट बनाने के लिए मैंने ये सब रेफरेंस लिए, टेक दिस एंड सी दैट VFX में हेल्प करता है कि नहीं. तो हम वैसे करते हैं. Alright. So historical or mytho shows mein, what's that one element that you always keep in mind when you execute any project? I always look for the center focal point. ये एक secret है मेरा, जो हर set में एक बड़ा सा element होगा जिससे आप हिल नहीं सकते हो, एंड वो आपको डिस्क्राइब कर सकता है वो सेट, उसके वजह से आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. Right. You know, any set that I do, भले mytho हो ये हो, पर एक बड़ा element होता है. Yes. जो मैं छोटे से एनलार्ज कर देता हूँ बड़ा, एंड दैट बिकम्स माय सिग्नेचर फॉर दैट पर्टिकुलर सेट. राइट. अगर आप वो सेट किसी और को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप वो सोच के डिस्क्राइब करोगे. डेफिनेटली.